तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होता है और इंटीजर्स के रूल्स के बारे में बताया था कि पॉजिटिव बड़ा होता है या नेगेटिव। अब हम लोग एक क्विक एक्सरसाइज करेंगे, मींस एक इंटीजर्स की जो भी ये रूल सीखे थे उसके हिसाब से क्विक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्विक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 और माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 नहीं करती हूँ, 10 और माइनस का 12। अब देखो ये वाला 10 किस में है, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, इट मीन्स ये किसका माना जाएगा, ये माना जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव का है और इसके आगे माइनस लगा है, इट मीन्स ये किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने आपको फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा कि जब एक वैल्यू आपकी प्लस में होगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो हमेशा इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी मानी जाएगी, विच वन इज़ ग्रेटर। सो पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू, मीन्स प्लस का हमेशा हमेशा, चाहे प्लस का 1 हो और माइनस का 100 हो, तो 100 माइनस का बड़ा नहीं माना जाएगा, 1 ही बड़ा माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस का साइन हमेशा माइनस के साइन से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हुआ। सेकेंड नंबर, एक माइनस 3 है वैल्यू हमारी और दूसरी माइनस का 5 है। अब देखो दोनों टर्म, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मीन्स रूल नंबर सेकेंड अप्लाई हो रहा है। जब दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों नेगेटिव साइंस हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो कौन सी वैल्यू बड़ी मानी जाएगी हमारी, मीन्स सेकेंड नंबर रूल में मैंने बोला था जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव की होंगी तो क्या बोला जाएगा, जिसकी वैल्यू जो होगी, मीन्स यहाँ पे बात हुई थी वैल्यू की, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा माना जाएगा। अब इन दोनों में माइनस का 3 और माइनस 5, अभी माइनस माइनस को अवॉइड कर देते हैं, 3 और 5 में कौन सा छोटा है, 3 ऑब्वियसली छोटा है, 3 छोटा है, तो ये सिर्फ जब दोनों वैल्यू माइनस का होगा, बोथ वैल्यू, ठीक है, बोथ माइनस में होगा तब ये वाला सिर्फ अप्लाई होगा। तो माइनस का 3 छोटा है तो इसी को इंटीजर्स में बड़ा मान लिया जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है उसी को हम बड़ी मान लेते हैं, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड होता था एसएम एस फर्स्ट नंबर रूल नंबर, मीन्स अब वही वाला है कि एक माइनस का 5 हो जाएगा और दूसरा माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस में है एक प्लस में है, कौन सा बड़ा होगा, अब चलो आप लोग मुझे बताओ विद इन 5, करेक्ट, अगर जिसे पता है उसे बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ, तो इसमें 4 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लास्ट नंबर थर्ड रूल वाला अप्लाई इसमें हो गया, फोर्थ, जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी हमारी, पॉजिटिव होंगी, मीन्स एक 50 होगा और एक 64 होगा, लेकिन इनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, जब किसी भी वैल्यू के आगे कोई साइन लगा ही नहीं होता है, नंबर अकेला होता है, मतलब वो पॉजिटिव का माना जाता है, मीन्स अब 50 और 64 दोनों प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सी वैल्यू बड़ी मानी जाएगी, 64। ये तो बेसिक रूल है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते चले आते हैं। तो आज इंटीजर्स के रूल और उससे रिलेटेड एक क्विक एक्सरसाइज आपने देख ली। अब आपको ये वाली जो वीडियो है वो आपको, इससे पहले वीडियो जो अपलोड की है मैंने वो रूल्स और इंटीजर्स को मैंने डिस्क्राइब किया था, अब जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो उसमें आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप पहले वो वाली वीडियो देखेंगे तब आपको ये वाली समझ में आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का मैथड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।